आगे क्या एडवाइस देना चाहते हैं करण भाई को? एडवाइस भाई है तो हमेशा भाई रहेंगे, इज द बेस्ट। और आगे क्या करने का मतलब, इनको कुछ बोलेंगे ये करो इससे फायदा होने वाला है? करेंगे ना, क्यों यार, फोटो खिंचवा देना। ये पहली बार ऐसा लगा धमकी दे के बुला रहे हैं, फोटो खिंचवा आ जाओ यार। क्या बात है, क्या बात है। अंश पंडित आए हैं, अंश ये हमारा ना फर्स्ट है और हम चाहते हैं कि कुछ में इसमें हमने जो भी अभी तक बना के सोचा है कि जो सर के साथ में बड़ी इनका अपना है सब कुछ और विनय जी के लिरिक्स लिखे हुए हैं इसमें और अपना ख्वाजा जी के उसमें आपका पेश किया है सब कुछ और ईद का एक माहौल है तो उसकी वजह से हमने ये लॉन्च करने का और ये प्रोग्राम करने का एक यहाँ पे आज किया है इसमें। स्पेशल की बात करें तो हमारी कुछ थीम्स हैं कुछ जो कि सबसे डिफरेंट है। हम चाहते हैं जो भी हो वो डिफरेंट तरीके से हो, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा पिकअप बाली के साथ में और भी हमने सारे फीचर्स यूज़ किए हैं जो कि इनके और अपने थोड़े से वो थे उसकी वजह से हमने यूज़ किया। और हम चाहते हैं कि आगे आते आते टाइम पे हम भी और भी जो भी जितने भी हम वो बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट लेकर के आएंगे और एक पब्लिक को और एक मीडिया को और एक टीवी के चैनल को हम एक अच्छा नाम देना चाहते हैं। या एक हमारी इसके बाद में एक वेब सीरीज और है उसमें वो भी अभी जल्दी में आने वाली है तो उसको भी हमने किया है और उसमें भी कुछ बेटर ही मिलेगा आपको देखने के लिए उस चीज़ को देखते हुए। उसमें उसके जो स्टार कास्ट हैं आपके उसमें अपना मृणाल जैन हैं और अपने सोनम अरोरा हैं, पूर्वी सिंह हैं और अदर कास्ट हैं, विक्रम कोचर हैं उसमें एक अपने तो उन चीज उनको लेकर के अनुपम और अनुपम खैर जी के साथ में उनका एक हमारी मूवी है जो थिएटर हम यूज़ कर रहे हैं उसको वो उसमें अनुपम खैर जी के साथ में है और एक वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सल है और बट बेटर है सबको देखने में मजा आएगा थिएटर में जाकर के। आपको नहीं नहीं हमने पहले बनाया हमारा हमने पहले बोला कि हमारा जो रेजोनर एंटरटेनमेंट है वो कुछ डिफरेंट ही करना चाहता है तो डिफरेंट करने का मकसद ही हमारा ये था कि हम एक बार बजट बना करके एक थोड़ा सब कुछ इकट्ठा कर करके एक एक करके फिर उसको रिलीज करते हो जाएँ जिससे कि हमारा रेजोनर एंटरटेनमेंट और प्लस पब्लिक को पब्लिक जो भी अपनी मीडिया है और अपना जो टीवी चैनल है उनमें एंटरटेनमेंट का तड़का लगता रहे। बात की जाए जो ईद आ रही है आज हम पूरा ईद का माहौल भी देख रहे हैं, आपने इफ्तार पार्टी भी रखी है, इतना ग्रैंड फंक्शन रखा है, ये गाने में जिसमें सारा खान है और मृणाल जैन है और अजमेर में आपने शूट किया सामरी ब्रदर्स के साथ, पहले उसके बारे में बताइए क्या, फिर हम सर थोड़ा सा आप डालेंगे इस पे। इतना ब्यूटीफुल गाया आपने, इतनी दिल को छूने वाली कवाली है जो आपकी स्पेशलिटी है, रजोरा एंटरटेनमेंट के साथ जुड़कर म्यूजिक वर्टिकल जो आप लॉन्च कर रहे हैं आपके गाने से उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है कि सबसे अहम बात जो है वो ये है कवाली को हमने गाया है और जिस कवाली उनके लिए है वो हमारे हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के एक मायनाज वली हैं, उनको कहा जाता है ख्वाजा रवि नवाज। अब जिस चीज़ में एक वली का नाम आ जाए जिक्र आ जाए तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं लगे जा सके वो अदा निशा कामयाब हो और हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की इसमें, हमने भी और हमारी टीम ने जो उसके प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं हम सभी लोगों ने मिलके काफ़ी मेहनत की है और बाकी आपने सुन भी लिया है देख भी लिया है इंशाल्लाह और अल्लाह ने चाह तो अल्लाह की ज़ात से मुझे कि ये अजमेर की गली इंशाल्लाह गली गली में बजेगा। आपने वीडियो भी देखा, मतलब वी पार्ट ऑफ द वीडियो आल्सो, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा गाना बनने में, शूट होने में, म्यूजिक बनाने में? बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस तो यह है कि हमारा पुराना है, कोई नया तो है नहीं, 40 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं लेकिन इस कवाली में एक नयापन आया है जिसमें कि जो कुछ एक्टर जो हैं सारा खान है और दूसरे एक्टर जो है मृणाल जैन, मैं समझता हूँ शायद पहली बार इस अंदाज से कवाली आ रही है जिसमें सीरियल के एक्टर हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह
बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद करके अंदर अच्छा। बिना सुने ही कवाली तो हम आपके यहाँ से जाने नहीं देंगे। या ख्वाजा मेरी लो तो फकत तुमसे लगी है, या ख्वाजा मेरी लो तो फकत तुमसे लगी है, अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है, अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है, उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे, उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे, बस इतना समझ लो, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है। इंशाल्लाह सबकी तकदीर जगेगी, जो सुनेगा उनकी जगेगी इंशाल्लाह। हर मुंह पे ये जुमला होगा, अल्लाह ने चाहा हर आदमी कहता मिलेगा कि मैं अजमेर जाता मेरी तकदीर जगी है। ये पहले सोचा हुआ था कि ये क्या पहनेंगे और हम क्या, ये पहले डिसाइड किया हुआ था इसलिए। जी जी अजमेर में ही सोचा है। कैसा अजमेर में? बहुत अच्छा, हमारा वहाँ के जो सब लोग ही थे सबसे, और ख्वाजा के अजमेर साहब के वहाँ पे जाकर के हमने शूट किया इसको, बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत ही अच्छा, मतलब वहाँ का हो लगा। हम चाहते कि आने वाले टाइम में हम कुछ ना कुछ वहाँ के लिए करते रहें। विनय जी का, विनय जी ने जैसा अभी बताया था कि विनय जी का अभी सब चीज़ों में आप देखता होगा वो डिफरेंट वे में जाना चाहते थे, वो डिफरेंट वे से करके आ करके वहाँ पे, वो वहाँ पे गए अजमेर, गए अजमेर में जाकर के दरगाह से बैठ करके उन्होंने कुछ उनके चंद पंक्तियाँ लिखी जो कि हमने बना के दिए हैं उनको, और हमें उन्होंने प्रेफरेंस किया कि हम बना के दें उनको। ये हमारे विनय भाई हैं। बहुत अच्छा लिखा आपने मेरे भाई, वेरी गुड, आपने उसे चार चांद लगा दिया। देखिए जब ये लिखा जा रहा था तो मैं उस समय दरगाह में ही था, और आंखें बंद करने के बाद जहाँ उंगली चलती गई वो चीज़ उसमें आती गई। ऐसा मैं कोई प्रोफेशनल राइटर या फिर लिरिक्स नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम लोग हमेशा दरगाह जाते हैं, बाबा से दुआएं मांगते हैं कि देश में अमन शांति बनी रहे, इसी फ्लो में एक लगाव है अलग तरीके से दरगाह से, बस वहीं बैठे बैठे चीज़ें लिख गई। ये हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, इनको मैंने जब दिया कि देखिए आपके कुछ काम आ सकता है तो, और इन्होंने इतना खूबसूरती, इन्होंने बताया नहीं कि ये किस लेवल पे ले जा रहे हैं, लेकिन जब सर का नाम आया और जब देखा मैंने वीडियो तो मैं बोला इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था जिस तरह से बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें बाबा का आशीर्वाद है, आवाज़ से लेके बनाने से लेके जो एक इंटेंशन था बहुत खूबसूरती से निखारा गया, और उसके लिए मैं पूरी टीम का मैं पर्सनली धन्यवाद करूँगा। एक छोटे से शब्द को कितना करामात, कितनी खूबसूरती के साथ देश के दिलों में बिठाया जाता है, उसका अद्भुत उदाहरण यहाँ पे देखा। हमारा ये था कि हम ना स्टार्टिंग करें तो कुछ ऐसे जहाँ से करें जहाँ पे हमारे ऊपर क्या पूरे देश के ऊपर सबका उसका हाथ हो, तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने वहाँ से स्टार्ट किया, अजमेर से स्टार्ट किया, और अजमेर से सब कुछ करके ख्वाजा जी के में स्टार्ट किया। तो हम इसी चीज़ के लिए स्टार्ट करना चाहते थे कि मतलब कि सब बनाती है जो आपकी रोमांटिक है और ये सब चीज़ें बन रही हैं, आज की चल चल रहा है, सबके नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पर हमारा जो आया हमने उसको डिफरेंट करा, इसलिए डिफरेंट करना का चाहा कि हम पे सदैव उनका हाथ बना रहे हैं। थोड़ा सा कवाली का ट्रैक चेंज कर दिया है इंडस्ट्री ने,
कि कवाली नशर कवाली जो है वो तो आप जानते हो, आपने सुना भी है, लेकिन आज के थोड़ा सा ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने थोड़ा सा कवाली के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग पैदा किया है, तो पब्लिक लाइक कर रही है, पसंद कर रही है और अच्छा है। इसी बात पर आपकी बात मुझे याद आ गई कि जो आप हमारी कवाली है आपने सुनी होगी, वो भी कवाली है, सुपर टुपर हिट कवाली, फिर मैं हूँ ना कि शाहरुख खान। अब उसका क्या एंट्री है, क्या इंट्रो है, आपने देखा ही है, आज तक उसको 17-18 साल हो गए, आज भी लोग लाइक करते हैं। तो अनु जी ने उसमें बहुत मेहनत करी, एक नया अंदाज पेश किया तो लोगों ने उसको लाइक किया। तो एक लफ्ज़ कवाली जो है वो अपनी जगह बादस्तूर है और रहेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है कवाली जो है, तो कल्चर से बाहर जाएगी। डिफरेंट टाइप के म्यूजिक भी आएंगे जो कि सबको ही अब और सबको ही प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे सबको, तो हम उसी टाइप के जो ट्रेनिंग चल रहे हैं उसी टाइप के म्यूजिक आप देखते हैं। यू नो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा रजौरा म्यूजिक के बारे में, जब मैं करण भाई से बात कर रहा था, प्लीज़ यू नो एक पर्टिकुलर जॉनरे पे फोकस नहीं कर रहे, देव गॉट एवरीथिंग, यानी आप कमर्शियल म्यूजिक के बारे में भी सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट गज़ल कवाली, एंड आजकल जो नया जनरेशन जो यंग जनरेशन है उस पर भी टारगेट करें, तो आई थिंक ये बच्चन भाई और करण भाई की जोड़ी इतनी प्यारी है कि वो दोनों एक दूसरे से अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं और सामने वो आता है जो पब्लिक पसंद करना चाहते हैं। सो अगर आप सोच रहे हैं कि नई म्यूजिक कैसी होने वाली है, सो ये आप सोच भी नहीं सकते कि व्हाट ऑल दे आर वर्किंग ऑन। सो रैप से लेकर कमर्शियल म्यूजिक से लेकर एवरीथिंग विच द ऑडियंस वांट्स, मेरे ख्याल से अरजोरा एंटरटेनमेंट इज वर्किंग। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, तो आपकी अब ऑडियंस बनने वाली है और जहां आप इतना अच्छा एंटरटेनमेंट उनके लिए लाने वाले हैं, ऑडियंस के लिए और सभी टीवी में जो भी देखने वाले हैं उन सबके लिए कि एक ही है कि हमारी चीज़ें आती रहेंगी और हमें उतना ही प्यार मिलता रहे जैसे आज मिला है और सब चीज़ को देख करके। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज डेफिनेटली अ प्लेजर वर्किंग विद रजौरा एंटरटेनमेंट और उन्हीं के ये कह सकते हैं कि एक जरिया था जिसकी वजह से मुझे अजमेर शरीफ जाने मिला। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ अजमेर शरीफ, और फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ पूरे करियर में कवाली किए, तो द होल एक्सपीरियंस जो लोग इतने दूर से आते अजमेर शरीफ पूरा बहुत अलग था, और सब समझ रहे हैं कि इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने पूरा वीडियो बनाया है, वो जो कवाल थे एकदम, मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट कवाली म्यूजिक था। एंड इनफैक्ट अजमेर शरीफ में जाके मुझे अगर दरबार में जाके वहाँ थोड़ा सा शूट करने मिल गया, आई थिंक सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन माय लाइफ। एंड मैं ज़रूर बच्चन भाई और करण भाई के बारे में कहना चाहता हूँ, कहते ना कि यंग एंटरप्रेनर्स, जैसे कि आजकल बहुत स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, तो एक यंग टैलेंट को प्रमोट करना ये इनका नेक्स्ट विजन है रजौरा एंटरटेनमेंट का। एंड आई थिंक सो ऐसे विजन के लिए हमारी इंडस्ट्री में सब जरूरत है, जहाँ पे नए एस्टैब्लिश लोगों को पहले चांस दिया जाता है, बट ये नए लोगों को चांस दे रहे हैं, तो आई थिंक सो दैट्स फैंटास्टिक फॉर देम। एंड थैंक यू सो मच बच्चन भाई करण भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बहुत अच्छी थी पूरी की, जो कवाली के लिरिक्स थे उनके साथ साथ पूरी एक स्टोरी थी, कैसे दूर रह के भी आप आपकी कहानी अधूरी नहीं रह सकती, जो प्यार करने वाले एक दूसरे के पास एक दूसरे को समझना चाहिए, चाहे कितनी भी दूरी क्या हो ना, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। एंड वो दरबार में एक कहीं ना कहीं साक्षात वो था कि हम वापस मिलेंगे, हम वापस आएंगे और हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तो जहाँ उसने पहले ही कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ मिलना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें पहली बार मिला था, तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत खूबसूरत थी। और मुझे लगता है कि प्यार का एक नया मोड़ जिसे कहते हैं कि लव नेवर डाइज, इवन डिस्टेंस के नॉट किल इट, सो दैट्स द होल मीनिंग ऑफ दैट सॉन्ग। एंड आई थिंक सो मैं ये ज़रूर सुनते रहूँगा। सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, बिकॉज मैं एक जैन हूँ,
तो आई एम अ प्योर आई एम अ जैनिज्म फॉलो, तो मैं कभी अजमेर शरीफ गया नहीं, कभी दरबार के अंदर गया नहीं। तो साक्षात जब मुझे जाने मिला, शूट करने मिला, आई थिंक सो वो जो हम हमारे कहते कि जो दुआ मांगने आते हैं वो इतने लोगों को मैंने देखा, तो हर वो एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अनबिलीवेबल था कि क्यों हम ये कहते हैं कि दुआ में उतनी ताकत होती है। हमारे जैनिज्म में कहते हैं कि आप प्रे कीजिए, भगवान में इतनी ताकत होती है कि आपकी दुआ सच्चे मन से जब आप मांगते तो वो पूरी होती है। और मुझे लगता है कि ये गाना हर बार जब भी मैं सुनूंगा मुझे अजमेर शरीफ ले जाएगा। आई थिंक सो एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि नई चीज़ें करते रहे वो। एंड माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो विथ रजोरा एंटरटेनमेंट, तो वो बहुत ही अलग तरह का सब्जेक्ट है और एक हिम्मत चाहिए वैसा सब्जेक्ट करने के लिए, जो एक कहते ना कि एक कन्विक्शन जिसे हम कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर, वो कन्विक्शन रजोरा एंटरटेनमेंट करण भाई और बच्चन भाई का था और उनके साथ पूरी जो टीम थी, आई थिंक सो वो हमेशा कहते हैं ना कि इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। यस, रजोरा एंटरटेनमेंट मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले एक या दो साल में डिफरेंट प्रोजेक्ट, अनेक अलग प्रोजेक्ट्स और नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म देगा, ये मैं अश्योर कर सकता हूँ। यस, ये मेरे साथ में हमारे साथ में पहला प्रोजेक्ट ये है। सेकंड भी हमने इसमें देखा कि हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई और मृणाल जी के साथ में हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही, हम सबके साथ में इनके साथ में इनका बैठ चल सब चीज़ें इनकी बहुत अच्छी रही। तो उसी चीज़ को लेकर के हमने दूसरी अपनी वेब सीरीज़ बना रहे हैं, जिस वेब सीरीज़ का नाम मैं अभी तो नहीं लेना चाहूँगा पर आने वाले टाइम में आपके सबके सामने आएगी वो वेब सीरीज़। और उसमें इन्होंने ही काम किया और बहुत अच्छा काम किया है और वो सबको बहुत ही अच्छा मुकाम पर लेकर के जाने वाली चीज़ है। आई फील जहाँ तक वेब सीरीज़ की बात है, मनोज सिंह जी ने डायरेक्ट किया, और इस वीडियो की बात करूँ राज भाई को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कमाल काम कर चुके हैं और उनकी फिल्म कांस में भी अप्रूव हुई है एंड वहाँ पे भी नॉमिनेट हुई है। तो जब एक प्रोड्यूसर कन्विक्शन के साथ बोर्ड पे आता है किसी चीज़ को लेकर, एक डायरेक्टर अपने विजन के साथ आता है और एक एक्टर उस विजन और डायरेक्शन में कन्विंस होता है, तब जाके एक प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होता है। और मेरे ख्याल से ये कवाली सिर्फ अगर आप विजुअली भी नहीं देखते तब भी आप सुनोगे तो उसमें जिस तरह से दुआ के बारे में बात की, ये सारी चीज़ें, आई थिंक सो इट्स ये एक दुआ है गाना, मैं गाना कवाली कम कहूँगा, एक दुआ है। अजमेर शरीफ जाना चाहिए एक बार और अजमेर की गली ज़रूर जाना चाहिए, दरबार में जाओ। कोई इसमें अगेन मैं ये नहीं कहना चाहता किसी जाति पात या कोई धर्म या इससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक बार सारे भगवान एक हैं। तो मैं खुद महावीर स्वामी जी को बहुत मानता हूँ पर मैं खुद दरबार गया और मैं खुशी जो खुशी मिले अंदर थी उस वक्त मैं बता नहीं सकता। और इतने सारे भक्तामर जो हम कहते हैं इतने सारे आए थे, तो आई थिंक सो एक बार अजमेर की गली जाना चाहिए। उसके बारे में हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे रजोरा एंटरटेनमेंट के साथ ही, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी रजोरा एंटरटेनमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से ले आ रहा है। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो जो प्रोजेक्ट का जब अनाउंसमेंट होगा वो सब्जेक्ट जो है वो चौंका भी देगा और लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें बना रहेगा, क्योंकि जानना चाहेंगे हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू रजोरा एंटरटेनमेंट बताएगा। जी सर, देखो एक हमने जो हमारी जो थीम है हमारा जो गाना है ना, फिरोज भाई मुझसे बोलते, अरे आपको सामने लेके आ रहे थे हम लोग, अरे मुन्नाल आगे आ जाओ आप, नीचे बैठो, जिशान आ गए, जिशान
दीदी एक बार जोरदार ताली दीजिए सिंगल भाई रजोदा एंटरटेनमेंट नासिर भाई नासिर जॉनी वॉकर साहब के लड़के हैं नासिर भाई फिल्म स्टार नासिर भाई रहमान खान भाभी क्या है रेशमा भाभी क्या है रेशमा भाभी दिलीप भाई नासिर भाई सलामत भाई दो मिनट रुकिएगा पांच मिनट पहली बात तो मैं ऐसे टाइम पे आया जब गाना जिस परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रहा था एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी बिकॉज मैंने एक्चुअल गाने से पहले लाइव वर्जन सुन लिया एंड गाना तो सुना ही देखा ही बाद में मृणाल हैज डन अ फैब जॉब सारा हैज डन अ फैब जॉब एंड द सिंगिंग आई थिंक मैं बहुत छोटा हूँ कमेंट करने के लिए सिंगिंग पे बट एज ए लिसनर आई रियली रियली लव इट आई रियली लव इट मैं आप लोग सबको रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं मुबारकबाद देना चाहूँगा और मेरे घर के एड्रेसेस तो मेरे फैंस के पास है खीर भी भेजो खीर कुरमा खाऊँगा थोड़ा कबाब वबाब बट नहीं आई वांट टू विश एवरीवन ए वेरी वेरी हैप्पी रमज़ान एंड आई होप यू नो आप लोगों की सारी मनोकामना इच्छाएँ सब पूरी हो जाए एंड आप लोग बहुत बहुत अच्छे से ये रमज़ान मनाएँ थैंक यू आज राजोरा एंटरटेनमेंट का फर्स्ट एवर सॉन्ग अजमेर की गली सॉन्ग लॉन्च हुआ है व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट नहीं डेफिनेटली मुबारकबाद देना चाहूँगा जब कोई नई कंपनी इस इंडस्ट्री में आती है एंड जिस तरीके से भी इंडस्ट्री बूम हो रही है तो न्यू पीपल आर मोर देन वेलकम बहुत शुभकामनाएं उनको एंड ये जो एल्बम है इनका अजमेर की गली इससे शुभ अच्छा मौका क्या हो सकता है कि रमज़ान के महीने में ऐसा एल्बम ये लेकर आए तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू बस रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद एंड भाईचारा प्यार अमन लव पीस हैप्पीनेस फॉर ऑल रजोरा एंटरटेनमेंट ने बहुत अच्छा गाना किया है सूफी सिंह गरीब नवाज से एंड दे इंटरलिंक्ड लव पीस दैट्स ऑलवेज देयर फॉर सूफी सेंट्स एंड इट वॉज अ ग्रेट इवेंट टुडे एंड द सॉन्ग इज रियली ब्यूटिफुल Aftab Hashim Sabri are also like brothers to us and they've sung it very beautifully and best wishes to all of them. Thank you so much. Thank you. यहाँ सबसे पहले तो नमस्कार और सलाम वालेकुम मैं संगीतकार दिलीप सेन और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज राजौरी का जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जो कैसेट रिलीज हुआ है अजमेर की गली में बहुत ही प्यारा एल्बम है और इसके जो सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं साबरी ब्रदर्स इन्होंने बहुत ही अच्छा कंपोज किया और बहुत ही अच्छा गाया प्लस जितने भी बच्चों ने इसमें दोनों ने हीरो हीरोइन ने काम किया वो भी बहुत अच्छा और एक नया मतलब एक काम शुरू हुआ है नई कंपनी शुरू हुई है तो हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके माध्यम से सभी लोगों को पूरी तमाम दुनिया को रमज़ान के रोज़े की बहुत बहुत मुबारक नमस्कार अस्सलाम वालेकुम Before, in fact, I say anything on Rajouri Entertainment and, you know, the music that
Sabri Brothers have created. Let me first tell you, I'm personally a big fan of Dilip the sir. Phenomenal music that you have created yourself in the past. So I'm looking forward to a lot of good work in the coming future. But yes, now coming back to this special occasion, iftari ke din hum ek khoobsurat bahut hi auspicious din ek presentation kar rahe hain. I wish Rajouri Entertainment and Sabri Brothers obviously all the best on this beautiful, blessed, auspicious occasion of iftari. Thank you. Namaskar. Back. Yes, what do you have to say about the Rajouri Entertainment and the musical vertical at their launch? Well, first of all, it's music. That is the biggest reason I'm here. And I'm happy ki new kind of songs or jis tarah hum purane tarah ke music ko zinda rakh pa rahe hain, that is good because naye mein hum purane ko khote ja rahe hain. And we need to understand real music, real instruments. Yahan baith ke mujhe itna zinda dil feel hua because every instrument was live. Har instrument ko feel kiya ja sakta tha. So I'm very happy to be here. Thank you. भाई थोड़ा स्टैंड निकल के आ जाओ, तुम भी आ गए यार. बहुत बहुत धन्यवाद. अभाव थैंक यू सो मच. हम भी चाहते हैं कुछ आपके दीदार होने. थैंक यू. आप आए, दो शब्द आप कहना चाहेंगे इस खूबसूरत मौके पर? अरे भाई साहब, अरे गार्डन नहीं है भाई. सारी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं. एक्चुअली मैं बोलता कम हूँ और घूमता ज्यादा हूँ, ये सभी को पता है. और मेरा ये फील्ड नहीं है, लेकिन आप सबने बुलाया, बाहू यहाँ पे है. हमारे सारे दोस्त, हमारे जी, और यहाँ पे सारे मेरे मौजूद, मेरे बहुत से मेरे सिने कलाकार यहाँ पे है. उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ. और आज कव्वाली की आज की जो शाम है, आप सबको एंजॉय कीजिए. बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाई, मेरे अजीज, मेरे भाऊ, मेरे दुबे जी, और सभी मेरे भाइयों को बहुत सारी शुभकामनाएं. अरे हितेश, फोटोग्राफर हितेश का है. यस यस यस. अभी हम अपने मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि आप लोग ने जो आए उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ. और भाई नाम लूंगा मैं आप लोगों के लिए, फिरोज भाई. फिरोज भाई आप आइए प्लीज, ये हमारी तरफ से छोटा तोहफा है.
मोबाइल नीचे दादा, मोबाइल नीचे, यहाँ फ्रेम खराब हो रहा है। अरे हाँ तो बाद में ले लो तुम लोग। नासिर भाई, नासिर जॉनी वॉकर, जॉनी वॉकर साहब के लड़के हैं नासिर भाई, फिल्म स्टार नासिर भाई, रहमान खान, रहमान भाई आइए, सलामत भाई, सलामत भाई, हम दिल के जगह नाम आइए, रब्बानी भाई, मेरे भाई रब्बानी भाई, रब्बानी भाई आइए, रब्बानी भाई, और हमारे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन, समीर सेन, दिलीप भाई, ओले ओले आइए, दिलीप भाई ओले ओले, दिलीप भाई आइए, भाभी क्या है, रेशमा भाभी क्या है, रेशमा भाभी, निखिल, निखिल सचदेवा, रोडीज का निखिल सचदेवा, अरे निखिल सचदेवा आइए, निखिल सचदेवा, भाई लोग आप लोग सिर्फ 10 मिनट रुकिएगा, जितने मेरे फूसला दोस्त लोग हैं, फिरोज भाई, रहमान भाई, रब्बानी भाई, दिलीप भाई, नासिर भाई, सलामत भाई, 2 मिनट रुकिएगा, 5 मिनट, भाइयों मुंबई की बहुत बड़ी हस्ती हमारे सामने आ रहे हैं, आप लोग प्लीज रुकिएगा, रहमान भाई जाइएगा नहीं, कोई बहुत अच्छे इंसान आ रहे हैं उनसे मिलके जाइएगा, फिरोज भाई, भाई यश भाई, यश भाई ऊपर पकड़ो ना, अरे वीडियो वीडियो वीडियो, चलो हो गए, अभी अभी ऊपर हो गए, सर फिरोज भाई प्लीज जान दो पे रुक जाइए, ओके 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 ओके, ए भाई क्या कर रहे, अरे कौन है यार, तन तो जोश में आ गए, हो गया कस, वसी भाई हो गया, एक मिनट करीम, वेट 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 वेट, हाँ दोनों का दोनों का, मुस्तफा बस आप आगे के बाजू में, मुस्तफा सुनील करीम, सर यहाँ पर सामने यही चलेगा, चलेगा नहीं साला, तुम ये चलाएंगे, नहीं हटेंगे ना, बहुत दिन के बाद प्रेम मिला है, अभी
यस 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 भाई रमन भाई नासिर भाई आज वो क्रिस्टल पे सोल में आ गए आ गए हमारे बीच में सोल भाई आई मोहिम भाई हेलो हमारे बीच जनाब सोहेल भाई आए हैं उनका इस्तकबाल करते हैं और Hello.